अपने सपने पूरा होना हर किसी के लिए एक रोमांचकारी अनुभव होता है। हार तोड़ मेहनत और तिनका तिनका जोड़ जब कोई अपने सपने को पूरा करता है तो उस खुशी को शब्दों में बयां करना भी मुश्किल हो जाता है, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही अनुभव और एहसास असम के सईदुल नाम के एक युवक को हो रहा है। पहले तो सईदुल ने पूरे 5 साल तक 1, 2, 5 और 10 रुपए के सिक्के जमा किए और फिर उन सिक्कों से स्कूटी खरीद कर अपना सपना पूरा कर लिया। बोरी लेकर जा रहा ये शख्स कोई कचरा लेकर नहीं जा रहा, बल्कि चिल्लर से भरी बोरी लेकर शोरूम के अंदर जा रहा है। जब सईदुल नाम का ये शख्स चिल्लर से भरी बोरी लेकर शोरूम के अंदर पहुंचा, तो ये देख शोरूम के कर्मचारी दंग रह गए। कर्मचारियों को लगा कि शायद कोई गलती से शोरूम में घुसाया है। इससे पहले कि शोरूम के कर्मचारी उसे बाहर का रास्ता दिखाते, सईदुल ने बताया कि वो डोंडा डियो स्कूटर खरीदने आया है और उसके पीठ पर बंधी बोरी में स्कूटर खरीदने का पैसा भरा है। सईदुल स्कूटर खरीदने के लिए करीब 90,000 रुपये के सिक्के लेकर पहुंचा था। इसमें 1, 2, 5 और 10 रुपये के सिक्के शामिल थे। शोरूम के कर्मचारियों को इन सिक्कों की गिनती करने के लिए कई घंटे लग गए और इस काम के लिए कई कर्मचारियों को लगाना पड़ा। आखिर में रुपयों की गिनती पूरी होने के बाद कागजी कार्रवाई की गई और सईदुल को उसकी ड्रीम स्कूटर की चाबी सौंपी गई। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।